चोरी की घटनाओं का अनावरण करने के लिए पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार क्षेत्र अधिकारी सिरातु के कुशल निर्देशन में कोखराज पुलिस एवं एसओजी इंटेलिजेंस विंग प्रभारी सिद्धार्थ सिंह टीम ने 4 बाइक चोरों को 5 बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कोखराज में दर्ज बाइक चोरी की घटना का अनावरण करते हुए बताया कि लूट की घटनाओं को कम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर ने सूचना दी थी कि लोहरा से चोरी बाइक को बेचने के लिए लोहरा चौराहे पर लेन देन हो रहा है। बिना किसी देरी के थाना अध्यक्ष कोखराज और इंटेलिजेंस टीम ने छापेमारी कर बाइक सहित एक बाइक चोर फैजल को गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ करने पर फैजल निवासी प्रीतम नगर थाना घूमनगंज प्रयागराज ने बताया कि मेरे साथी विकास पासी पुत्र राजेश पासी निवासी पनोई और सुरजीत उर्फ छोटू सरोज थाना चरबा निवासी पनोई एवं राहुल पुत्र बबलू सरोज निवासी लोकीपुर मेरे साथ बाइक चोरी में सहयोगी हैं। सभी को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक बरामद की गई। कौशाम्बी पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट। अपराधी का क्या क्या चोरियां हुई? देखिए, आज थाना कोखरा क्षेत्र से 4 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है, जिसमें एक विकास पासी है, ये चरबा थाने के रहने वाले हैं। एक सुरजीत उर्फ छोटू है, ये भी चरबा थाने के रहने वाले हैं। एक ये मोहम्मद फैजल उर्फ अद्दू है, ये धूमनगंज प्रयागराज के रहने वाले हैं। और राहुल सरोज ये थाना चरवा के रहने वाले हैं। इनके पास से आज 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई। एक RTR 180 अपाचे मोटरसाइकिल है, हीरो HF डिलक्स है, पल्सर है, हीरो स्प्लेंडर और एक पल्सर काली। एक थाना कोखराज में 157/22 मुकदमा लिखा गया था, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। उसी की तलाश में हमारी जो टीम है इस पर काम कर रही थी। तो ये इन लोगों के बारे में जानकारी मिली और जब इनसे डिटेल में पूछताछ किया गया तो इनके पास से 4 और गाड़ियाँ बरामद हुई है। और ये पहले भी इस तरह की जो घटनाएं लगातार करते रहे, लेकिन कहीं पे मुकदमा नहीं लिखा गया था या फिर कहीं पे किसी ने कंप्लेन नहीं किया था, क्योंकि अक्सर जो चोरी की गाड़ी होती है तो उसमें इंश्योरेंस होता है और इस वजह से जो कंप्लेन के बाद में आदमी इतना परेशान नहीं करता है, जिनको इंश्योरेंस मिल जाता है। तो ये इस तरह की घटनाएं करते थे यहां से चुरा के, और फिर इनको गाड़ियों को 5,000-2,000 जो भी इनको दाम मिलते थे उसमें इन लोगों के द्वारा इनको भेज दिया जाता। पकड़ने वाली टीम इनको किस प्रकार से गिरफ्तार? ये जो हमारी मैंने बताया कि जो मुकदमा लिखा गया था थाना कोखराज में, उसी पे हमारी टीम काम कर रही थी कि लगातार जनपद से और भी कई जगह से गाड़ियां चोरी हुई है। इस पे टीम को लगाया गया था, SOG टीम को, थाने की टीम को, उनके द्वारा इसमें काम किया गया। ये इनके मुखबिर के आधार पर सूचना मिली कि इनके पास में चोरी की गाड़ी हो सकती है, क्योंकि चोरी की गाड़ी बेचा जाना इनके द्वारा जानकारी में आया था, और उसी पर फिर ये काम हुआ है। धन्यवाद।